नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। राजस्थान में अगले साल दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी अभी से ही अपनी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। दो दशक से राजस्थान में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी को सत्ता मिलने की परंपरा देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस फिर से सत्ता में आने की कोशिश में जुट गई। चुनाव से काफी पहले दोनों ही पार्टियों ने विधानसभा सर्वे कराने ही शुरू कर दिए हैं। देश भर में राजस्थान ही अब केवल एकमात्र ऐसा बड़ा राज्य है जहाँ कांग्रेस पार्टी का राज है, इसलिए कांग्रेस अपने इस किले बचाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में पीछे नहीं हटेगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी दो दशक से चल रहे इस मिथक के दम पर निश्चित है कि अब वह राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की मेहनत को इस बात से समझा जा सकता है कि करीब साल भर से पहले ही राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग एजेंसियों के जरिए सर्वे का काम शुरू करवा दिया गया है। अब जितनी भी जानकारी सामने आई उसके हिसाब से बीजेपी ने इस काम के लिए 3 एजेंसियों को काम सौंपा है। इस सर्वे को लेकर बीजेपी पार्टी नेताओं से अलग अलग विचार भी है। कई विधायक मानते हैं कि इस तरह के सर्वे हमेशा होते रहते हैं और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते हैं सर्वे के नतीजे ज्यादा सटीक होने लगते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री रह चुके बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सर्वे का काम शुरू हो चुका है और इसके जरिए ही पार्टी को विधायकों के कामकाज और जीतने वाले चेहरों की जानकारी मिल पाती है। 3 बार के बीजेपी विधायक के रामलाल शर्मा ने कहा कि इस तरह के सर्वे से उन्हें भी कार्यकर्ताओं और जनता का फीडबैक मिलता है कि उनकी छवि अपने निर्वाचन क्षेत्र में आखिरकार है कैसी। अब बीजेपी इस बार जो सर्वे करवा रही है उसमें संभावित लीडरशिप को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि पार्टी ये तय कर चुकी है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव इस बार सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे और पार्टी के कमल चिन्ह पर लड़ा जाएगा। पार्टी जीत के बाद किसके सर पर ताज सजाएगी इसको लेकर अपने सर्वे के कार्यकर्ताओं से कोई भी पूछताछ नहीं की गई और ना ही कोई सवाल पूछा गया। 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे ने पिछले कुछ दिनों से अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, लेकिन कभी वसुंधरा ही बीजेपी है और बीजेपी ही वसुंधरा जैसा नारा देने वाले लोग अब चुप बैठे हैं। हवा का रुख किस और होगा इसका पता नहीं लगा, इसलिए वसुंधरा समर्थक भी सोच समझ कर बयान दे रहे हैं। कभी वसुंधरा के लिए खुले मन से बयान देने वाले बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ का ये ताजा बयान बताता है कि वसुंधरा की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है। उधर कांग्रेस ने भी राजस्थान में अपना सर्वे करवाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अभी आपसी गुटबाजी में उलझी हुई है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच जंग जारी है। हालांकि इस जंग के थोड़ा समय अगस्त महीने में राहुल गांधी ने अपनी टीम के जरिए राजस्थान में एक सर्वे करवाया था। इस सर्वे में मुख्य रूप से 10 सवाल पूछे गए थे। सर्वे में सरकार के कामकाज, सरकारी स्कीम्स की वास्तविक हालत और मंत्री के कामकाज, विधायकों की जमीनी जुड़ाव और विधानसभा इलाकों में जीत सकने वाले उम्मीदवारों के बारे में पूछा गया था। अब सूत्रों के मुताबिक बता दी कि सर्वे के नतीजों के आधार पर ही राजस्थान में बदलाव की योजना बनाई गई थी, लेकिन गहलोत खेमे की बगावत ने इस योजना को धराशायी कर डाला था। अब इस सर्वे को लेकर कांग्रेस के नेता बोलने से बच रहे हैं, लेकिन वे कम से कम इतना तो जानते ही है कि इस तरह के चुनावी सर्वे राजनीतिक लिहाज से सही होते हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर खींचतान अभी शांत दिख रही है, लेकिन इस बीच ही पार्टी आलाकमान के यहाँ सभी विधायकों से फीडबैक भी लिए जा रहे हैं। यह एक तरह का कांग्रेस का इंटरनल सर्वे कहा जा सकता है। राजस्थान में गहलोत और पायलट गुट के अलावा तीसरा खेमा भी है, जो इस बात का समर्थन करता है कि वो आलाकमान के साथ है। प्रदेश में अभी भी सबसे ज्यादा विधायक गहलोत खेमे में बताए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट की पैरवी करने वाले मंत्री राजेंद्र सिंह अभी भी अपनी बयानबाजी को जारी रखे हुए हैं। ताजा बयान में कहते हैं कि सचिन को राहुल और प्रियंका के बाद सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाले नेता बता दिया है। अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सर्वे के शुरुआती दौर में आने वाले दिनों में राजस्थान में पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय नेताओं के दौरों से यहां पर चुनावी माहौल जोर पकड़ने वाला है। यानी कि सर्वे के हिसाब से तो लगता है कि यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी ही जीत हासिल करती नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस में तो अपना आपसी कलह ही लगातार चल रहा है। लेकिन चलिए अपने न्यूज रूम में अपने सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है कि राजस्थान के आने वाले चुनावों में यहां पर बीजेपी आएगी या फिर कांग्रेस पार्टी आएगी। अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट? और बीजेपी आती है तो क्या वसुंधरा राजे की राह आसान हो जाएगी?
अब जैसे कि हमने आपको काफ़ी सारी जानकारियां दी कि राजस्थान में किस तरीके से सर्वे कराया गया बीजेपी की तरफ से, किस तरीके से सर्वे हुआ कांग्रेस की तरफ से, यहां पर कांग्रेस को लेकर कहीं ना कहीं झमेला उठ रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत, तो वहीं पर कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि वसुंधरा राजे को इस बार मौका मिलेगा या नहीं, क्या वो भी इस बार पिछड़ती नजर आएगी। तो अबरार हमारे साथ है, तो सवाल मेरा सीधा यहाँ पर है कि सर्वे हो रहा है अब राजस्थान में, क्योंकि अगले साल राजस्थान के चुनाव है, हम दोनों ही मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर बात करूंगी। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में बेहतर मुख्यमंत्री साबित कौन हो सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत तो है मुख्यमंत्री, लेकिन जहां मांग सचिन पायलट की हो रही है तो क्या हो सकता है आने वाले समय? देखिए, सचिन पायलट को लेकर के तमाम जनता जो कहीं ना कहीं तत्पर है और तमाम जनता इस बात को लेकर के काफी ज्यादा मुतालिबा कर रही है कांग्रेस पार्टी से कि दरअसल उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी को एक लंबे समय तक राजस्थान की सियासत में बने रहना है तो सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल लाजमी है। अगर ये फैसला कांग्रेस पार्टी किसी दबाव में या किसी कारणवश नहीं ले पाती है तो उसका सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अशोक गहलोत को जितना समय लेना था, जितने समय तक कांग्रेस पार्टी के लिए सेवा देनी थी, राजस्थान की जनता के लिए काम करना था, वो तमाम चीज़ उन्होंने कर ली। अब समय है सचिन पायलट का और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी किस मजबूरी के तहत जो है अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं जा रही है, क्या मजबूरी है, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो बड़ा कदम उठाया है वो कदम कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान से ऊपर उठ करके उन्होंने पार्टी हाईकमान की किसी तरीके से जो रिस्पेक्ट है वो नहीं की, पार्टी के उन फैसलों को ताक पर रख करके उन्होंने तमाम विधायकों को हथियार बनाया, ढाल बनाया और फिर उनका इस्तेमाल कर सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा अटका दिया। ऐसे में कब तक अशोक गहलोत इस तरीके की रणनीति बनाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकते रहेंगे, क्योंकि एक समय तो ऐसा आएगा जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस में अगर दूसरे नंबर के नेता या पहले नंबर के नेता आप कहें तो सचिन पायलट मान ही जाते हैं और ऐसे में उनका जो भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है, ये बात खुद सचिन पायलट समझते भी है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान एक तरीके से कहें तो कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल भी कर रही है और साथ ही कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी डर है कि अगर ऐसी स्थिति में पार्टी अशोक गहलोत के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेती है तो पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि अशोक गहलोत लगातार जितने समय से राजनीति को समझ रहे हैं, खास करके राजस्थान की बारीकी को समझते हैं, वो तो उनको एक तरीके से ये बात समझ में आ गई है कि कांग्रेस हाईकमान की जो कमज़ोर नस है वो क्या है और किसको पकड़ने के बाद जो है कांग्रेस हाईकमान को मुख्यमंत्री पद से हटाएगी नहीं। और पर मैं बीजेपी को लेकर सवाल करना चाहूंगी कि बीजेपी में मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे, उस समय पर वसुंधरा राजे अपने आप में काफी बेहतरीन नेता, लोग उनको पसंद भी करते थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि साफ कर दिया गया है कि मोदी के नाम पर और बीजेपी के जो चुनाव चिन्ह है उस पर लड़ाई लड़ी जाएगी, उस पर चुनाव होंगे। तो क्या लगता है कि वसुंधरा राजे का क्या कदम हो सकता है, वसुंधरा राजे किस तरीके से अपने आप को अच्छा साबित कर सकती है, क्योंकि राजस्थान में 5 साल बाद सरकार बदलती रहती है। देखिए, वसुंधरा राजे की क़यादत में लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान में जो है अपनी सरकार को चला तो पाई, लेकिन जो बीते विधानसभा चुनाव हुए थे उस चुनाव में जिस तरीके से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट तो करना चाह रही थी लेकिन वसुंधरा राजे के नाम पर वोट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो कार्यकाल रहा वो बेहतर नहीं रहा, जनता के लिए उन्होंने बेहतर ढंग से काम नहीं किया और यही वजह रही कि कांग्रेस पार्टी को एक बार सत्ता में आने का मौका मिला। लेकिन अब वसुंधरा राजे की अगर बात की जाए तो इस मुद्दे को वो भुनाना ज़रूर चाहेंगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जब अंदरूनी इतनी ज़्यादा कलह है, अंदरूनी इतनी ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ जो है तकरार बढ़ रही है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टी जो है इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी और जनता के बीच इस पैगाम को आम किया जाएगा कि दरअसल इस पार्टी को अगर आप चुन भी लेते तो क्या भरोसा है कि ये पार्टी अपने कार्यकाल को पूरा करेगी और मुख्यमंत्री अपनी सरकार को जो मुकम्मल कर पाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से विधायकों ने इस्तीफा सौंपा है तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति बाद में भी पैदा हो, क्योंकि सचिन पायलट तो जाहिर सी बात है कि अपने उन तमाम बातों को पार्टी हाईकमान के सामने साझा करेंगे कि उनसे जो वादे किए गए हैं, उनको जो तमाम
जो एक तरीके से आश्वासन दिया गया था, उन बातों को लेकर के अब जो है पार्टी हाईकमान को कोई फैसला लेना चाहिए। लेकिन जब फैसला नहीं लिया जाएगा पार्टी की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएंगे। और तो उसका छोटा सा सवाल मेरा बरार यहाँ पर रहेगा कि अगर 1% ऐसा होता है कि बीजेपी चुनाव जीतने वाली होती है, या फिर अगर देखा जाए कि अभी तो बीजेपी अपने चुनाव पर और मोदी के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर अशोक गहलोत को सीट छोड़नी पड़ी, आलाकमान का फैसला अगर आ जाता है जिसका इंतजार किया जा रहा है, तो फिर लोग यहाँ पर सचिन पायलट को पसंद करेंगे, या फिर जिस एक मतलब कि मतलब बैठी हुई है यहाँ पर वसुंधरा राजे का अलग ही सोच में, तो लोग वसुंधरा राजे को पसंद करेंगे? देखिए, अशोक गहलोत को ये बात पता है, दरअसल उन्होंने जितने समय तक राजस्थान की सियासत को समझा वो ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर सचिन पायलट आज इस समय मुख्यमंत्री बन जाते तो सीधे तौर पर सत्ता में वापसी कांग्रेस पार्टी की होगी, और फिर अगले कार्यकाल में भी सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि लगातार जनता की ये मांग है, सचिन पायलट की मांग नहीं, लगातार जनता ये मांग कर रही है कि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की जो जिम्मेदारी वो सौंपे। और अशोक गहलोत यही बात चाह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो अगर नहीं लौटती है तो फिर जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री पद के लिए जो तमाम झगड़े वो समाप्त हो जाएंगे। और ऐसे में अशोक गहलोत एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटे, और अशोक गहलोत इसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट मुख्यमंत्री आज बनाए जाते हैं तो सत्ता में कांग्रेस की वापसी ज़रूर होगी और फिर सचिन पायलट दोबारा मुख्यमंत्री ज़रूर बनेंगे। और अशोक गहलोत यही बात नापसंद कर रहे हैं इस समय, क्योंकि अगर सचिन पायलट एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो अशोक गहलोत के लिए जो तमाम रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अशोक गहलोत के जो रास्ते जिस तरीके से अब्रार ने अपनी बात रखी कि बंद होते नजर आएंगे, वहीं पर अगर सचिन पायलट को मौका मिलता तो बेहतरीन काम करते नजर आएंगे और कांग्रेस पार्टी का रिपीटेशन नजर आएगा जो सालों से हो नहीं रहा, 2 दशक से कोई भी सरकार रिपीट होती नजर आई। आपको क्या लगता है कि जो सर्वे दिखाया गया जिसमें भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार, क्या वो बदल सकता है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद देने से? अपनी राय जरूर रखिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।